हेलो फ्रेंड्स, टॉप करंट अफेयर एमसीक्यू ऑफ वीक आज हम कवर करेंगे जो कि 1 फेब टू 7 फेब 2017 तक के हैं। ये करंट अफेयर एमसीक्यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है डीएमआरसी, सीआरए, एसबीआई पीओ एग्जाम के लिए और आईबीपीएस पीओ और एसएससी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर फ्रेंड्स आप एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसका नोटिफिकेशन अभी आ गया है, तो फ्रेंड्स अभी से जनवरी से लेके जब तक एस बी आई पी ओ का मेन्स एग्जाम ना हो जाए तब तक आप करंट अफेयर्स के एम सी क्यू पर विशेष ध्यान दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अभी से इसकी प्रिपरेशन करेंगे तो आपको एस बी आई पी ओ के मेन्स तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फ्रेंड्स, स्टडी भिंदास के चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसको यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा एक एफवी पेज है स्टडी बिंदास के नाम से, उसको भी लाइक करिए। तो फ्रेंड्स आज का एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स लॉन्च्ड बाय नीति आयोग ऑन फरवरी 2017 हैज बीन डेवलप्ड टू रैंक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एंटरप्रेन्योर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सो फ्रेंड्स आंसर इज स्टेट्स। नीति आयोग टुगेदर विद डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन DIPP एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII हैज लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑनलाइन पोर्टल। ये एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है जो कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रैंक करेगा स्टेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ इनोवेशन। तो फ्रेंड्स इसमें इंडिया का साथ जो दे रही है वो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, UNIDO, ILO, ये हेल्प करें इंडिया को स्टेट्स को रैंक करने में। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है स्टेट्स। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री इज सेट टू लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट एंड लार्जेस्ट न्यूक्लियर आइस ब्रेकर फ्लीट फॉर अ वास्ट आर्कटिक आर्मी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर रशिया है। अभी रशिया ने लॉन्च किया है जो कि लार्जेस्ट न्यूक्लियर आइस ब्रेकर फ्लीट है। ये आइस को ब्रेक करने में हेल्प होता है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको कि ये अभी तक कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसने न्यूक्लियर आइस ब्रेकर बनाया हो। तो ये रशिया ऐसी पहली कंट्री है जिसने ऐसा काम किया है। ये शिपिंग में हेल्प करेगी, जो जहाँ भी वाटर में आइस जमा होते हैं तो उसको ब्रेक करके शिपिंग में हेल्पफुल रहेगी ये। और न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर हैव बीन कंस्ट्रक्टेड टू एड शिपिंग अलोंग द नॉर्दर्न सी रूट इन द फ्रोजन आर्कटिक वाटरवेज। और फ्रेंड्स न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर आर मच मोर पावरफुल देन देयर डीजल पावर्ड काउंटर पार्ट्स। ये डीजल पावर काउंटर पार्ट से काफ़ी ताकतवर है। तो फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज द 31st सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला ऑर्गेनाइज्ड। तो इसका आंसर है हरियाणा। हरियाणा में 31st सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला ऑर्गेनाइज हुआ था और ये इस वजह से भी फेमस हुआ है क्योंकि ये कैशलेस मेला भी कहा जा रहा है इसको, क्योंकि ये हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल कटियार ने इसका उद्घाटन किया था। और ये 2017 सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला इज नोन एज कैशलेस मेला बिकॉज ऑल स्टेक होल्डर्स हैव बीन प्रोवाइडेड ऑप्शन टू ऑप्ट फॉर कैशलेस ट्रांजैक्शन। यहाँ पर कैशलेस ट्रांजैक्शन किए गए और एक टीम भी ऑर्गेनाइज करी गई जो कि विजिटर्स को, कस्टमर्स को गाइड भी कर रहे थे कि कैसे वो कैशलेस पे करें। नेक्स्ट देखते हैं, विच इंडियन फीमेल सिंगर हैज कोलैबोरेटेड विद यूनाइटेड नेशन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट। तो वुमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट के लिए कौन सी ऐसी भारतीय सिंगर है जिन्होंने यूनाइटेड नेशन से कोलैबोरेट किया है? ये है नीति मोहन। नीति मोहन जी ने ये क्यों किया गया है, ये एक टू म्यूजिक टू इंस्पायर आर्टिस्ट यूनाइटेड अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को हो रही है आजकल वर्ल्ड में, उसके अगेंस्ट ये
कोलैबोरेशन हुई है। इसमें सी हैज जॉइंड द रैंक्स ऑफ एस्टन कचर, निकोलस केक, डेमी मूरे, एशली जड एंड जेलियन एडर्सन। ये काफ़ी अच्छा मुहिम है एक तरीके से, और नीति मोहन पहली सिंगर बन गई है, फर्स्ट इंडियन फीमेल सिंगर टू कोलैबोरेट विद यूएन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया हैज साइंड एन एमओयू विद विच कंट्री ऑन फरवरी 2017 टू कंस्ट्रक्ट मल्टी एथनिक ट्रायल लैंग्वेज स्कूल। तो ये आंसर है श्रीलंका। यहाँ पर एमओयू साइन हुआ है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं मल्टी एथनिक ट्रायल लैंग्वेज स्कूल लैंग्वेज सीख सकें। तो ये इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में एमओयू साइन हुआ है, और ये द स्कूल वुड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू सिन्हाला, तमिल एंड मुस्लिम स्टूडेंट्स टू लर्न इन अ मल्टी कल्चर एनवायरमेंट एंड दस प्रोमोट रिकॉन्सलेशन एंड यूनिटी इन श्रीलंका। तो ये काफ़ी अच्छी स्टेप है। द एमयू हैज साइंड बिटवीन इंडियाज हाई कमिश्नर टू श्रीलंका तरनजीत सिंह संधू एंड सेक्रेटरी टू द मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन सुनील हेटर्जी। नेक्स्ट देखते हैं, विच इंडियन बिजनेस स्कूल हैज बीन रैंक द बेस्ट फ्रॉम इंडिया इन द फाइनेंशियल टाइम्स ग्लोबल एमबीए रैंकिंग ऑफ द बेस्ट 100 प्रोग्राम्स फॉर 2017। तो इसका आंसर है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISP। फ्रेंड्स, अभी फाइनेंशियल टाइम्स ग्लोबल की रैंकिंग रिलीज हुई है, जिसमें इंडिया के जो बिजनेस स्कूल हैं एमबीए के, उसमें 4 इंडिया के कॉलेजेस ने जगह बनाई है अपनी। उसमें सबसे टॉप पोजीशन पे है इंडिया से इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISP, और सेकेंड पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद IIMA, और तीसरे पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर IIMB, और फोर्थ पोजीशन ऑक्यूपाई करा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता IIMC, और इन चारों में सबसे टॉप पोजीशन पे है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 53rd SAARC प्रोग्रामिंग कमिटी मीटिंग हेल्ड। तो ये काठमांडू में हुआ है 53rd SAARC प्रोग्रामिंग कमिटी मीटिंग। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 53rd SAARC प्रोग्रामिंग कमिटी मीटिंग काठमांडू में हुई है। विच बिजनेस स्कूल हैज टॉप द 2017 फाइनेंशियल टाइम्स ग्लोबल MBA रैंकिंग। तो आंसर है INSEAD। ये अभी हमने पढ़ा था कि कौन से बिजनेस स्कूल ने इंडिया में टॉप किया था, और ये टोटल वर्ल्ड का है, तो INSEAD ने टॉप किया है। और ये रैंकिंग वही FT ग्लोबल MBA रैंकिंग ने लॉन्च करी है। तो टॉप पोजीशन INSEAD ने ऑक्यूपाई करी है, सेकंड पोजीशन पे रहा है स्टैंडर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस, ये USA में है, और एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया वॉर्टन, ये भी US में है। तो INSEAD ने टॉप करा है बिजनेस स्कूल में। नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर US, विच अदर कंट्री हैज सस्पेंडेड इशूइंग वीजाज टू 5 मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज ऑन February 1, 2017 ओवर सिक्योरिटी इश्यूज। तो ये है आंसर कुवैत। कुवैत ने भी US की तरह ही 5 कंट्रीज को बैन कर दिया, जो कि मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज हैं। तो ये जो 5 कंट्रीज हैं, सीरिया, इराक, ईरान, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ये इसलिए करा गया है ताकि इलीगल एंट्री ऑफ इस्लामिक टेररिज्म को रोके, और ये अप्लाई करता है किसी भी रीजन ऑफ विजिट को। तो ये चाहे टूरिज्म हो, विजिट एंड ट्रेड वीजाज हो, या फिर वीजाज स्पॉन्सर्ड बाय स्पॉसेस, तो ये कोई भी ये वीजाज हो, ये बैन है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मच लोन अमाउंट has been sanctioned by NABARD on February 2017 for Haryana Drinking Water Project। कितना रुपए NABARD ने सेक्शन किया है
हरियाणा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के लिए? तो आंसर है 157 करोड़ रुपीस हरियाणा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के लिए नाबार्ड ने लोन सेक्शन किया है। नेक्स्ट देखते हैं, विच इंडियन एयरलाइन सर्विस हैज वॉन द एशियाज ग्रेटेस्ट ब्रांड्स 2016 अवार्ड एट द एशिया वन अवार्ड हेल्ड इन सिंगापुर? तो इसका आंसर है स्पाइसजेट। स्पाइसजेट को एशियाज ग्रेटेस्ट ब्रांड अवार्ड मिला है, और जो स्पाइसजेट के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर अजय सिंह हैज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ द ग्लोबल एशियन ऑफ द ईयर 2016। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, द वर्ल्ड बैंक हैज ग्रांटेड अ लोन अमाउंट वर्थ $1 million फॉर टेक्निकल एडुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट TEQIP3 इन इंडिया। तो आंसर है 201.50 मिलियन। तो फ्रेंड्स एक चीज और, टेक्निकल एडुकेशन क्वालिटी इंपावरमेंट प्रोजेक्ट TEQIP3, ये फुल फॉर्म्स भी आप याद करते रहिए पूरा, क्योंकि फ्रेंड्स आजकल क्वेश्चंस आ जाते हैं कि TEQIP में आई क्या स्टैंड करता है, यहाँ पर क्यू क्या स्टैंड करता है या ई क्या स्टैंड करता है, ये पूरी फुल फॉर्म नहीं रहता है, मतलब कि ऑप्शन में कि आपको याद आ जाए कि हाँ ये पढ़ा था, ऑप्शन में सिर्फ रहता है कि क्यू, मतलब कुछ भी रह सकता है। तो फ्रेंड्स पूरा टेक्निकल एडुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट पूरा पढ़ के जाइए, और कहीं भी इसके अलावा भी कहीं शॉर्टकट मिलते हैं तो उसको भी आप पढ़िए। तो इसका आंसर है 201.50 मिलियन। ये जो द वर्ल्ड बैंक हैज ग्रांटेड अ लोन, ये एग्रीमेंट इंडिया की तरफ से राजकुमार जी जो कि जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के हैं, और जुनैद अहमद कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द वर्ल्ड बैंक की तरफ से। तो कितना रुपए सेक्शन हुआ है, ये टेक्निकल एडुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट इंडिया में इंप्रूव करने के लिए टेक्निकल एडुकेशन को, तो 201.50 मिलियन रुपीस वर्ल्ड बैंक ने दिया है इंडिया को। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द रियल एस्टेट कंपनी गोदरेज ऑन February 2017? तो ये है पिरोजसा गोदरेज, ये न्यू चेयरमैन है रियल एस्टेट कंपनी गोदरेज की। तो पिरोजसा गोदरेज, ये मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी है गोदरेज। और साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड न्यू बोविन ट्यूबरकुलोसिस टीबी रेजिस्टेंट क्लोन ऑफ विच एनिमल? तो ये आंसर है काऊ। ये साइंटिस्ट फ्रॉम चाइना नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी ANF University हैव डेवलप्ड अ जेनेटिकल मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ काउस डेट आर मोर रेजिस्टेंट टू बोविन ट्यूबरकुलोसिस, ये रेजिस्टेंट होती हैं इससे, और द क्लोन्ड कैटल वर क्रिएटिंग यूजिंग अ जीनोम एडिटिंग टूल नोन एज क्रिस्पर CRISPR। तो इसमें जो दे आर इंसर्टेड अ न्यू टीबी रेजिस्टेंस जीन जिसका नाम है NRAMP1, और इसमें 20 काउस पे डाली थी, ये इंजेक्ट किया था, और इनमें से 11 जो है सरवाइव कर गई हैं, जो कि 3 महीने से जिंदा हैं अभी। तो ये काफ़ी अच्छी अप्रोच है, साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड न्यू बोविन ट्यूबरकुलोसिस, ये काऊ। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री सक्सेसफुली कंडक्टेड द फ्लाइट टेस्ट ऑफ द न्यू प्लास्टिक मिसाइल DF-5C रिसेंटली दैट कैन कैरी अप टू 10 न्यूक्लियर वॉर हेड्स? तो ये इसका आंसर है चाइना। चाइना ने अभी सक्सेसफुली कंडक्ट किया है ये फ्लाइट टेस्ट, और ये जो 10 न्यूक्लियर वारहेड फ्रॉम द ताइवान स्पेस लॉन्च सेंटर इन सांक्सी प्रोविंस एंड न्यू फ्लू टू अ डिजर्ट इन वेस्टर्न चाइना,
तो ये काफ़ी अच्छी अप्रोच है चाइना की, ये अपनी न्यूक्लियर पावर बढ़ाता जा रहा है। तो फ्लाइट टेस्ट ऑफ द न्यू बैलिस्टिक मिसाइल DF-5C जो कि चाइना ने टेस्ट किया है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन इज द वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड? इसका आंसर है फरवरी 2। व्हेन इज द वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेटेड? आंसर है फरवरी 2, जो कि हर साल मनाया जाता है 2 फरवरी को। और ये वेटलैंड्स जो हेल्दी वेटलैंड्स होते हैं वो रिड्यूस करते हैं इम्पैक्ट ऑफ ये फ्लूड्स, ड्रॉट्स, साइक्लोन्स कम्युनिटीज सॉरी साइक्लोन्स ऑन कम्युनिटीज एंड इन हेल्पिंग टू बिल्ड रेजिलेंस। तो ये वर्ल्ड वेटलैंड्स डे फरवरी 2 को मनाया जाता है। और इसका थीम भी था 2 फरवरी में, वेटलैंड्स फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है कि अगर वेटलैंड बचाता है हमें ड्रॉट, साइक्लोन्स, फ्लूड्स, जो कि द 2020 ओलंपिक गेम्स मेडल्स वुड बी मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल? ये है रिसाइकल्ड मोबाइल फोन। जो जापान है वो रिसाइकल्ड मोबाइल फोन से ओलंपिक के 2020 ओलंपिक्स के मेडल्स बनाएगा। तो इसके लिए जापान ने पब्लिक से अपील भी किया है कि वो अपना अनवांटेड मोबाइल फोन्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को डोनेट कर दें और ताकि वो 5,000 मेडल्स बना सकें इससे। तो ये काफ़ी अच्छी अप्रोच है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रैंक लैम्पार्ड हु अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल सॉकर ऑन फरवरी 2017 प्लेड फॉर विच फुटबॉल क्लब? तो आंसर है चेल्सिया। चेल्सिया के लिए फ्रैंक लैम्पार्ड खेलते थे। इन्होंने 21 ईयर ओल्ड करियर अपना सॉसर में दिया है और इन्होंने हैज स्कोर्ड अ रिकॉर्ड ऑफ 211 गोल्स एंड मेड अपीयरेंसेज इन 649 गेम्स फ्रॉम 2001 to 2014। नेक्स्ट देखते हैं, विच इंडियन शटलर हैज बीन रैंक एज द वर्ल्ड नंबर वन प्लेयर इन द लेटेस्ट जूनियर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF रैंकिंग ऑन फरवरी 2017? आंसर है लक्ष्य सेन। इन्होंने वर्ल्ड नंबर वन प्लेयर की रैंक पाई है लेटेस्ट जूनियर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, तो ये है लक्ष्य सेन। नेक्स्ट देखते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली इंट्रोड्यूस विच बिल इन द पार्लियामेंट ऑन फरवरी 3, 2017 दैट सीक्स टू रिप्लेस द ऑर्डिनेंस ऑन डीमोनेटाइजेशन प्रोमुलगेटेड बाय द गवर्नमेंट इन दिसंबर 2016? तो इसका आंसर है स्पेसिफाइड बैंक नोट्स। ये सीजेशन ऑफ लिबर्टीज बिल 2017 है, ये स्पेसिफाइड बैंक नोट्स, ये बिल पास हुआ है अरुण जेटली जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है, इन्होंने थ्री फरवरी को ये इंट्रोड्यूस किया है। इस बिल में अगर कोई भी बंदा जो कि 1,000 और 500 के पुराने नोट्स चलाने या फिर कहीं भी यूज़ करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको 10,000 रुपये तक का फाइन और उसको क्रिमिनल ऑफेंस भी किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट हैज प्लान टू सेट अप अनोमली कमिटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 7th पे कमीशन? तो एनोमली ये असम ने ऐसा किया है। असम गवर्नमेंट ऑन फरवरी 3 अनाउंस डैट इट हैज डिसाइडेड टू सेट अप अनोमली कमिटी टू एड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ द एम्प्लॉइज रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 7th पे कमीशन। ये एम्प्लॉइज की ग्रीवेंसेस को रिकॉर्ड करेगा 7th पे कमीशन के लिए ताकि वो इम्प्लीमेंट हो जाए। इन कोलैबोरेशन विद विच कंट्री इंडिया हैज सेट अप अ कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन सेपी टू एक्सेलरेट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर एपिडेमिक्स? ये है नॉर्वे। नॉर्वे और इंडिया ने कोलैबोरेट कोलैबोरेशन किया है ताकि
ताकि वो कॉलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयरनेस इनोवेशन सेपी टू एसिलेट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉर एपिडेमिक्स की प्रिपेयर कर सकें अच्छे से। तो इंडिया एंड नॉर्वे ने ये कोलैबोरेशन किया है। नेक्स्ट देखते हैं द 21 डेज भारत रंग महोत्सव 2017 बिगेन इन विच सिटी ऑन फरवरी 1, 2017। इसका आंसर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में भारत रंग महोत्सव बिगेन हुआ है और इसमें जो है 94 परफॉर्मेंस है 12 कंट्रीज एंड 16 इंडियन स्टेट्स की। ये 9th एडिशन है भारत रंग महोत्सव का, सॉरी 19th एडिशन। नेक्स्ट देखते हैं द सेंटर ऑफ इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी ऑन फरवरी 3, 2017। तो ये है नोएडा में इसका उद्घाटन हुआ है द सेंटर ऑफ इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी और ये इसका उद्घाटन डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड डायरेक्टर जनरल इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च एंड श्री अजित एम शरण सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो फ्रेंड्स ये जो द सेंटर ऑफ इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी ये नोएडा में इनॉग्रेट किया गया है, किसने किया है डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन। नेक्स्ट देखते हैं विद विच कंट्री इंडिया साइंड एन MOU ऑन फरवरी 2017 फॉर टेक्निकल कोऑपरेशन इन रेल सेक्टर विद इम्फेसिस ऑन सेफ्टी ऑपरेशन। ये 2 फरवरी को रेलवे ने इंडियन रेलवे ने इटली के साथ MOU साइन करा है और ये क्यों करा गया है ताकि जो सेफ्टी ऑपरेशंस हैं या फिर रेलवे के सेफ्टी ऑडिट ऑन इंडियन रेलवेज मेजर्स रिक्वायर्ड फॉर इन्हेंसिंग सेफ्टी इन ट्रेनिंग ऑपरेशन असेसमेंट एंड क्लेरिफिकेशन सॉरी सर्टिफिकेशन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। तो इटली और इंडिया के बीच ये MOU साइन हुआ है, इटली हेल्प करेगा इंडिया को इंडियन रेलवे को इम्प्रूव करने में। नेक्स्ट देखते हैं सेंटर हैज डिसाइडेड टू सेट अप स्मार्ट फेंसिंग एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स टू स्ट्रेंथन द सिक्योरिटी सिस्टम। तो ये इंडिया पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर को स्मार्ट फेंसिंग से फेंस किया जाएगा बॉर्डर्स को ताकि सिक्योरिटी इंप्रूव हो सके इंडिया की। वन ऑफ द इंडियाज इंटरनेशनल बॉर्डर जिसकी लेंथ 3,323 किलोमीटर्स है इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर्स थ्रू 4 स्टेट्स जम्मू एंड कश्मीर राजस्थान पंजाब एंड गुजरात। ये स्मार्ट फेंसिंग करी जाएगी इसमें ताकि घुसपैठ ना हो सके इलीगल। नेक्स्ट देखते हैं द ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रैंकिंग्स 2017 फीचर्स विच ब्रांड ऑन द टॉप पोजीशन। तो इसका आंसर है गूगल। गूगल ने टॉप पोजीशन बनाई है द ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रैंकिंग्स के हिसाब से और जो कि 3rd पोजीशन पर रहा है वो अमेजोन रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं अब हु हैज बीन स्वान इन एज द न्यू US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑन फरवरी 1, 2017। तो इसके आंसर है रेक्स टेलरसन, इन्होंने स्वान करा है एज अ न्यू US सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और ये पहले फॉर्मर मोबाइल चीफ एग्जीक्यूटिव रेक्स टेलरसन जो जिनकी एज 64 है इन्होंने ये अब न्यू US सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया आउट क्लास विच कंट्री टू विन द 18th एशियन जूनियर टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2017 इन हांगकांग ऑन फरवरी 2। तो पाकिस्तान, इंडिया ने पाकिस्तान को स्क्वैश में मात दी है और 18th एशियन जूनियर टीम चैंपियनशिप जीत ली है और ये इंडियन स्क्वैश टीम आउट क्लास राइवल्स पाकिस्तान 2-0 से हराया है। नेक्स्ट देखते हैं हु हैज वॉन द 2017 इंडियन नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल ऑन फरवरी 2017। तो ये है पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी ने इंडियन नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल जीती है। नेक्स्ट देखते हैं As
per the latest ICC ranking, what is the rank of Indian batsman Virat Kohli in the T20 International? ये है first position. Virat Kohli first rank पे है इस समय Indian sorry 2020 International. Next देखते हैं. Aseem Basu, who passed away on February 1, 2017, was as renowned personality of which field? तो इसके आंसर है थिएटर. थिएटर में इन्होंने ये पर्सनालिटी असीम बासु जी जो कि पास हुए हैं फरवरी 1 में. नेक्स्ट देखते हैं. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द 6 मेंबर कमिटी फॉर्म टू रिव्यू द सुप्रीम कोर्ट सब्सिडी अबॉलिशन मैटर टू द पिलग्रिम्स ऑफ हज. ये है अफजल अमनुल्लाह. ये अपॉइंट करे गए हैं हेड ऑफ द 6 मेंबर कमिटी टू रिव्यू सुप्रीम कोर्ट सब्सिडी अबॉलिशन मैटर फॉर द पिलग्रिम्स ऑफ हज. नेक्स्ट देखते हैं. सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड द गवर्नमेंट ऑन February 3, 2017 टू प्रिपेयर अ पॉलिसी फॉर द इरेडिकेशन ऑफ विच डिजीज. तो यह है लेप्रोसी. सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को डायरेक्ट करा है लेप्रोसी के लिए पॉलिसी प्रिपेयर करने के लिए. द सुप्रीम कोर्ट बेंच कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस जे एस के आर एंड जस्टिस एन वी रमन एंड डी वाई चंद्रचूड. इंस्ट्रक्ट द सेंटर टू प्रिपेयर अ पॉलिसी फॉर द इरेडिकेशन ऑफ लेप्रसी विद इन 4 वीक्स ऑन February 3. ये लेप्रसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट करा है गवर्नमेंट को. नेक्स्ट देखते हैं. विच स्टेट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस ट्रांसजेंडर कैटेगरी इन इट्स बोर्ड एग्जामिनेशन. ये है बिहार. बिहार ने इंट्रोड्यूस कर दिया है ट्रांसजेंडर कैटेगरी इन अपने बोर्ड एग्जाम में. नेक्स्ट देखते हैं. द इंटीग्रेटेड अंडर वाटर हार्बर डिफेंस एंड सर्वेलेंस सिस्टम हैज बीन लॉन्च इन विच सिटी ऑन February 3. ये मुंबई में लॉन्च हुआ है अंडर वाटर हार्बर डिफेंस एंड सर्वेलेंस सिस्टम. फिर से देखिए, अंडर वाटर हार्बर डिफेंस एंड सर्वेलेंस सिस्टम ये मुंबई में लॉन्च हुआ है. नेक्स्ट देखते हैं. द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ईरान हैज बैंड द रेसलर्स फ्रॉम विच कंट्री टू पार्टिसिपेट इन द फ्री स्टाइल वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन ईरान इन February 2017. तो ये है यूनाइटेड स्टेट्स. अभी यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बैन कर दिया है वीजाज जो कि 5 मुस्लिम कंट्रीज के लिए था. तो ईरान भी उसमें आता है. तो ईरान ने ये रेसलर्स जो कि यूएस के रेसलर्स हैं उनको फ्री स्टाइल वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है, उनको बैन कर दिया है. तो ये एक नहले बदहला कर रहे हैं कि उन्होंने यूएस डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा किया तो वो भी ऐसा कर रहे हैं. नेक्स्ट देखते हैं. यूनाइटेड स्टेट्स President Donald Trump has imposed a new sanction on which country on February 3, 2017 for conducting a ballistic missile test. तो यह है ईरान. ईरान तो ये इसका आंसर ईरान हुआ. नेक्स्ट देखते हैं. Who has been named as the new MD and CEO of National Stock Exchange? National Stock Exchange तो विक्रम लिमय ये न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. कौन है? विक्रम लिमाय. नेक्स्ट देखते हैं. हु हैज बीन स्वान इन एज द प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बाय द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट ACC ऑन February 3. तो ये आंसर है संजीव सन्याल जी को बनाया गया है प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर. कहां पे? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बाय द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट. नेक्स्ट देखते हैं. हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू डायरेक्टर कमर्शियल ऑफ इंडिया सॉरी ऑफ नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड NTPC ऑन February. तो यह है आनंद कुमार गुप्ता न्यू डायरेक्टर. नेक्स्ट देखते हैं. जोगिंदर सिंह हु पास्ड अवे ऑन February 3, 2017 had served as a director of which organization? तो ये डायरेक्टर थे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन.
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब सीबीआई, जोगिंदर सिंह जो कि अभी पास हो गए हैं, इनकी डेथ हो गई है, ये फरवरी 3 में इनकी डेथ हुई है, और ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर फॉर्मर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड कैंसर डे, तो वी कैन आई कैन, ये थीम था वर्ल्ड कैंसर डे 2017। नेक्स्ट देखते हैं, विच सोलर पावर्ड स्पेस क्राफ्ट ऑफ नासा कंप्लीटेड अ क्लोज फ्लाई बाय ऑफ जुपिटर फॉर द फोर्थ टाइम ऑन फरवरी 2017, तो जूनो, आंसर है जूनो। ये सोलर पावर्ड स्पेस क्राफ्ट ऑफ नासा थी, इसने कंप्लीट कर लिया फ्लाई बाय ऑफ जुपिटर फॉर द फोर्थ टाइम। नेक्स्ट देखते हैं, पिंक टेडी बियर्स वर गिवन अवे टू फर्स्ट टाइम फीमेल वोटर्स एट द असेंबली इलेक्शन पोलिंग बूथ ऑफ विच स्टेट ऑन फरवरी 4, 2017, तो ये आंसर है गोवा। गोवा में पिंक टेडी बियर्स दिए गए फीमेल वोटर्स को ताकि उनको मोटिवेट कर सके वोटिंग वोट देने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पैसेंजर सर्विस फ्लाइट वॉज इनॉग्रेटेड बाई विच कंट्री ऑन फरवरी, तो कतर, कतर ने अभी लॉन्गेस्ट पैसेंजर सर्विस फ्लाइट का उद्घाटन किया है, तो सबसे ज़्यादा इसमें 14,535 किलोमीटर टू रीच ऑकलैंड इन न्यूजीलैंड, और ये कितना टाइम लिया इसने, 16 hours 20 minutes। नेक्स्ट देखते हैं, विच इंग्लैंड क्रिकेट प्लेयर हैज बीन ऑनर्ड विद द कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सीबीई ऑन फरवरी 4, 2017, तो यह है एलेस्टर कुक, इनको ऑनर्ड मिला है कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सीबीई, एलेस्टर कुक। नेक्स्ट देखते हैं, टेक जायंट गूगल हैज प्लान टू सेल इट्स टेराबेला बिजनेस टू विच स्टार्टअप फर्म, यह है प्लैनेट लैब्स। प्लैनेट लैब्स को टेक जायंट गूगल हैज प्लान टू सेल इट्स टेराबेला बिजनेस, टेराबेला बिजनेस गूगल की जो है वो प्लैनेट लैब्स को सेल करने का गूगल ने फैसला किया है। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री विल होस्ट द एफीबा वुमेन्स एशिया कप बास्केटबॉल टूर्नामेंट टू बी हेल्ड इन जुलाई 2017, तो ये इंडिया होस्ट करेगा फीबा वुमेन्स एशिया कप बास्केटबॉल वाला, तो टूर्नामेंट जो कि जुलाई में होगा इंडिया इसको होस्ट करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज द विनर ऑफ द मेन्स सिंगल टाइटल एट द 78th इवन स्पोर्ट टेबल टेनिस सीनियर नेशनल चैंपियनशिप हेल्ड इन हरियाणा 5 फरवरी को, तो ये है अचंता सारन, शरद कमल, और ये जो है इन्होंने वेटरन अचंता शरद कमल वॉन द मेन्स सिंगल टाइटल आफ्टर डिफीटिंग सौम्यजीत कोश। नेक्स्ट देखते हैं, पठानी पटनायक हु पास्ड अवे इन ओडिशा ऑन फरवरी 4, 2017 वॉज अ रेनाउंड पर्सनैलिटी एसोसिएटेड टू विच फील्ड, ये है लिटरेचर में पठानी पटनायक, ये उड़ीसा के लिटरेचर में फेमस थे। नेक्स्ट देखते हैं, द मीजल्स रुबेला एमआर वैक्सीनेशन कंपेन वॉज लॉन्च इन विच इंडियन सिटी, बेंगलुरु, बेंगलुरु में मीजल्स रुबेला एमआर, मीजल्स रुबेला एमआर वैक्सीनेशन लॉन्च हुई है बेंगलुरु में। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द करेंसी ऑफ मैक्सिको, तो मैक्सिको पैसो, मैक्सिकन पैसो, ये करेंसी है मैक्सिको की, और मैक्सिको मैक्सिको की कैपिटल जो है मैक्सिको सिटी है, करेंसी मैक्सिकन पैसा पैसो, और प्रेसिडेंट जो है एनरिक पेना नीटो, एनरिक पेना नीटो। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द टोटल आउटले ऑफ द चीफ मिनिस्टर समग्र ग्राम्य उन्नयन योजना, समग्र ग्राम्य उन्नयन योजना चीफ मिनिस्टर, ये तो 30,000 करोड़, ये टोटल आउटले है चीफ मिनिस्टर समग्र ग्राम्य उन्नयन योजना CMS चीफ मिनिस्टर समग्र ग्राम्य उन्नयन योजना CMSGUY, ये फुल फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स,
आजकल ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं कि एस इसमें क्या स्टैंड करता है, यू क्या स्टैंड करता है। ये आसाम गवर्नमेंट ने लॉन्च करी, इसमें पूरा आउटले है 30,000 करोड़ का। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ द उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो समित घोष, समित घोष एमडी एंड सीईओ है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। कौन है? समित घोष, समित घोष उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एमडी एंड सीईओ। नेक्स्ट देखते हैं, द फर्स्ट स्मार्ट पुलिस स्टेशन ऑफ आंध्र प्रदेश हैज बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी। यह है गुंटूर, गुंटूर में फर्स्ट स्मार्ट पुलिस स्टेशन ऑफ आंध्र प्रदेश लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, ये सॉरी एक चीज और बता दूं, आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने इसका उद्घाटन करा है। नेक्स्ट देखते हैं, रेलवे मिनिस्ट्री इज सेट टू ले द फर्स्ट रेलवे लाइन इन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड दैट विल कनेक्ट पोर्ट ब्लेयर टू विच सिटी। पोर्ट ब्लेयर को कनेक्ट करेगा दिलकलीपुर से। ये अंडमान एंड निकोबार में ये रेलवे लाइन बिछ रही है और ये पोर्ट ब्लेयर को दिलकलीपुर से कनेक्ट करेगा, पोर्ट ब्लेयर को दिलकलीपुर से। नेक्स्ट देखते हैं, विच बैंक हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद अर्थ पोर्ट पीएलसी टू इनेबल फास्टर आउट बाउंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स फॉर इट्स कस्टमर्स। यह है एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक ने साइन करा है एग्रीमेंट किससे, अर्थ पोर्ट पीएलसी टू इनेबल फास्टर आउटबाउंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द 2017 जेनिस प्राइज वर्थ $1 million बाय इजराइल गवर्नमेंट फॉर एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स जोइस कम्युनिटी। तो ये अनिश कपूर जी ऑनर्ड हुए हैं इजराइल गवर्नमेंट से, अनिश कपूर जी 1 million। नेक्स्ट देखते हैं, विच मेडिकल प्लांट हैज बीन रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट टू हैव मल्टीपल हीलिंग प्रॉपर्टीज। यह है न्यूरोक्लाइक्स कैल्यूसिनस, इसमें मल्टी हीलिंग प्रॉपर्टी है, ये मल्टी हीलिंग प्रॉपर्टी है इसमें न्यूरोक्लाइक्स कैल्यूसिनस। ये मेडिकल प्लांट है, रिसेंटली डिस्कवर्ड हुआ है साइंटिस्ट से। नेक्स्ट देखते हैं, Iran has lifted the ban on which country wrestlers allowing them to take part in the freestyle World Cup to be held in Iran. ये United Nation, United States के players को इन्होंने ban कर दिया था जब Donald Trump ने ban करा था मुस्लिम countries को visa देने के लिए। तो ये Iran lifted up the ban it had imposed that's allowing them to participate in the freestyle World Cup to be held in Iran after the discussion of temporarily suspend. Next देखते हैं, when is the International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation observed? यह है February 6th को International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation observed. जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल फरवरी सिक्स जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल। तो नेक्स्ट देखते हैं, द इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्टेड अ ज्वाइंट एक्सरसाइज विद विच कंट्रीज काउंटर पार्ट ऑन February 6th 2017 टू इनहेंस अ कोऑपरेशन एक्सचेंज ऑफ ऑपरेशनल प्रॉपर एक्सपर्टीज। ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE से इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्ट करा ज्वाइंट एक्सरसाइज, किससे किया, UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नेक्स्ट देखते हैं, विद विच कंट्री इंडिया साइंड अ प्रोटोकॉल ऑन February 6th 2017 टू अमेंड द एग्जिस्टिंग बायलेटरल टैक्सेशन ट्रीटी फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन एंड द प्रिवेंशन ऑफ फिस्कल इवेजन। यह है ऑस्ट्रिया कि इन दोनों के इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में साइन करा हुआ है प्रोटोकॉल ताकि अमेंड कर सके एग्जिस्टिंग बायलेटरल टैक्सेशन ट्रीटी फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन को अवॉइड कर सके। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इजराइल। तो जेरूसलेम कैपिटल जेरूसलेम, करेंसी है इजराइली न्यू सेकेल, प्रेसिडेंट है रूवेन रिवलिन, प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू। तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इजराइल, जेरूसलम। नेक्स्ट देखते हैं, 98 इयर्स ओल्ड फ्रीडम फाइटर रचाला सम्राज्यम हु डाइड ऑन February 6th 2017 वाज बोर्न इन विच स्टेट। तो ये है आंध्र प्रदेश। 98 इयर्स ओल्ड फ्रीडम फाइटर, ये ओल्ड फ्रीडम फाइटर है, 98 इयर्स के एज में इनका डेथ हुआ है।
फरवरी 6 में, तो रचराला साम्राज्यम रचराला साम्राज्यम आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज द विनर ऑफ द 81st सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2017 इन मेंस सिंगल कैटेगरी। सौरभ वर्मा इज द विनर ऑफ द 81st सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। 81st सीनियर नेशनल बैडमिंटनशिप के सौरभ वर्मा विनर मेंस सिंगल। नेक्स्ट देखते हैं, चाइना हैज सरपास्ड विच कंट्री टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी। तो जर्मनी, चाइना ने जर्मनी को पछाड़ दिया है सोलर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी में। अब चाइना सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करती है क्या, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी। थैंक यू फ्रेंड्स, होप है कि ये MCQs आपको बहुत यूजफुल हो रहे हैं एग्जाम के लिए। प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी बिंदास, और फ्रेंड्स प्लीज अभी से फोकस करिए करंट अफेयर को। अगर आपका GS सेक्शन स्ट्रांग हो गया तो आपको SBI PO क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। तो प्लीज फ्रेंड्स, थैंक यू।